हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। आप सबको मैं इससे पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्यों नहीं कर पाई वो भी बात करेंगे। फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने इसको क्या किया, प्रूफ किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों ओबे करते हैं, कौन से सब्सटेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करते हैं, वो सारी बात करेंगे। फिर ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जो एडवांस थोड़ा सा लेवल है वो है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, फिर उसकी बात करेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, फिर एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ करेंगे और फिर जो इसमें लॉ है उसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन फोर्थ लॉ। तो ये सब हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहें और इन टॉपिक्स को ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू अगर हम वेव थ्योरी बात करें तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो कंटिन्यूअस क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, उसकी फिक्स वेवलेंथ होगी और फिक्स क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मगर अगर हम एक्चुअल में देखें तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप देखिए, आपने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप कोई एक आयरन की रोड ले और उसे गर्म करें तो इसका कलर क्या होता है, पहले डल रेड और हमने हीट को इंक्रीज कर दिया फिर ये रेड हो जाता है, और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो ये येलो हो जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हाइट हो जाता है, और ज्यादा करते हैं एंड में ये क्या हो जाता है, ब्लू। तो आप ये देख रहे हैं कलर चेंजेस हो रहे हैं जब हम किसी रोड को, आयरन रोड को गर्म कर रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या हो रहा है स्टूडेंट, कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उसका मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो रही हैं, जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब ब्लैक बॉडी ने इसको एक्सप्लेन किया, क्यों का किया, क्योंकि उसने आपको क्या दिया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहीं से हमने एक रिलेशन निकाला था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। कैसे, आप अगर ध्यान से देखें तो हाइयर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मगर इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसा क्या है ब्लैक बॉडी की खास अलग से हम बात करें। मान लो मेरे पास एक व्हाइट बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक इन का रखा है, व्हाइट का, दोनों में अंतर क्या है। गर्मियों में कई बार आपने सुना होगा ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा लाइट कपड़े पहनने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम, या हम अगर सिंपल, अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो हम क्या कहेंगे, इट एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। एंड व्हेन दे आर हीटेड दे इमिट ऑल द रेडिएशंस, या हम ये कहें कि रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं, द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम कहें परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो ऐसा परफेक्टली ब्लैक बॉडी होना पॉसिबल नहीं है कि 100% जितनी भी उसके लाइट फॉल करे वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद उसी को सारी को क्या कर दे, इमिट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मगर फिर भी हम ये कह सकते हैं 99% हम एक बना सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्शन जो थ्योरी रही है वो रही है फैरे की। फैरे ने ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई, कैसे बनाई, तो उसने क्या कि ब्लैक एंड अंदर ये होलो है, ये थर्मली क्या है, आइसोलेटेड है, अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे पिन ड्रॉप पिन जितनी ये क्या होता है, होल होता है, वहां से हमने क्या कि लाइट को फाल किया। आप यहां देख सकते हैं लाइट को फाल किया, यहाँ पे प्रोजेक्शन बना दिया उसने, यहाँ पे इनको बिल्कुल सीधे नहीं रखा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था लाइट जो सीधे फाल की वापस जा सकती थी, और रेडिएशन अगर बाहर चली गई तो एब्जॉर्ब कहां से होगी, तो उसने ऐसे यहां प्रोजेक्शन दे दिया, इससे क्या लाइट ये टकराई, फिर इस तरह ये यहीं पे आपस में टकराते गए और सारा का सारी रेडिएशन अंदर क्या होगी, वॉल पे एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होगी, और जब हम इसको सब्सटेंस को गर्म करते हैं या कुछ करते हैं तो ये रेडिएशन इमिट करता है, द रेडिएशन इमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो
तो हम 100% तो नहीं कह सकते, मगर एक बहुत ही हाईली परफेक्टली हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये फैरे का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद क्या हुआ कि जो बात की भाई व्हाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या है जो उन्हें डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट हमने बात की किसकी, किरचॉफ लॉ की। स्टूडेंट एक चीज आएगी पहले हम उसे कर लेते हैं, ये कर्व कर लेते हैं। जो मैंने बात जो मैंने कलर भी की थी वही बात है, यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ के बीच में कर्व दे रखा है। और ये क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए, हर एक के पीक को मैंने क्या कर रखा है, कर रखा है ये हाईर पीक। जैसे जैसे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस पीक शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। अगर मैं कहूं कि भाई वेवलेंथ यहाँ पे इसकी इस टाइम जो पीक है ये हाईएस्ट है, एनर्जी यहाँ पे क्या है ये इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ स्टूडेंट क्या देखो कम है। अब इस केस में एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ उससे क्या होगी बढ़ गई। और मगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर करें, टेम्परेचर बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। और वेवलेंथ की बात करूं तो λ1 शॉर्टर देन λ2, λ3 क्या है बड़ा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, एनर्जी पीक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेवलेंथ के कर्व है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या कर्व आता है, ये भी आपने करना है, एनसीईआरटी में आपके गिवन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की किरचॉफ्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है। स्टूडेंट तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने दो बॉडी लिए, एक मैंने व्हाइट बॉडी लिया है और एक मैंने ब्लैक बॉडी ली है, बॉल ले लिया यहां पे, तो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, और उसको हमने क्या किया होलो एनक्लोजर के अंदर एक थ्रेड के थ्रू क्या कर दिया टांग दिया। और उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया रेडिएशंस क्या की इसके अंदर फाल की, और जो इसका रेडिएशन जब इसके अंदर फाल की तो रेडिएशन इसके अंदर, और उसको फिर थर्मली क्या कर दिया हम ये कह सकते हैं थर्मली आइसोथर्मल सिस्टम मेंटेन कर दिया कि टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा सिस्टम का। तो जब रेडिएशंस इसके अंदर स्टूडेंट आए तो रेडिएशंस ये दोनों बॉडी क्या करेंगी एब्जॉर्ब करेंगी, व्हाइट बॉडी भी एब्जॉर्ब करेगी और ब्लैक बॉडी भी एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी बॉडी है जब उस पर हीट फाल रेडिएशन फाल करती है एब्जॉर्ब तो करते ही करते हैं, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे व्हाइट बॉडी हो या येलो बॉडी हो कोई भी कलर हो। तो जब इन दोनों ने क्या किया रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद इमिट करती है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर जो हम नॉर्मली व्यक्ति सोचे नॉर्मली जो अब तक हमने पढ़ाया था हम क्या कहेंगे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा ब्लैक बॉडी और ये कम करेगा एब्जॉर्ब। तो उसकी वजह से यहां पे जो टेम्परेचर का सिस्टम है जो हम कह रहे हैं कि ये आइसोलेटेड या थर्मली क्या है आइसोथर्मल सिस्टम है तो वो यहाँ पे मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो वो कैसे मेंटेन रहता वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है सेम रहता है। अब वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसे रहता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी रेडिएशन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता है उतनी ही जल्दी वो क्या कर देता है इमिट भी कर देता है। यानी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन जितनी रेडिएशन कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और जितनी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो दोनों क्या होता है सेम रहता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है इट इज अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड इमिटर ऑफ लाइट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइट स्टूडेंट पॉइंट है इमिटर ऑफ लाइट। और जो व्हाइट बॉडी है इट इज अ पुअर एब्जॉर्बर एज वेल एज पुअर इमिटर ऑफ लाइट। यानी जो जितना पुअर एब्जॉर्बर है उतना ही पुअर क्या करेगा इमिट करेगा। और ब्लैक बॉडी केस में क्या है जितना यानी कि लाइट को जितना अच्छी तरह एब्जॉर्ब करे उतनी जल्दी क्या करता है इमिट भी करता है। ये खासियत होती है ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी की। अब यहां पे ला क्या दिया किरचॉफ लॉ ने, किरचॉफ लॉ ने कहा कि इमिसिव पावर और इमिटेंस रेशियो ऑफ किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ इमिटेंस अपॉन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू इमिटेंस पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। या मैं इसी को थोड़ा सिंपली लैंग्वेज में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी। ये एस हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरफेस के लिए यानी व्हाइट बॉडी के लिए,
ठीक है, ये जो हम व्हाइट बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के लिए। तो वो कहता है कि कोई और सब्सटेंस, चाहे कोई भी सब्सटेंस, व्हाइट बॉडी है कोई और बॉडी है, उस पर जब हम लाइट को फॉल करते हैं तो वो जितना एब्जॉर्ब करता है और जितना इमिट करता है, इमिट जितना करता है और जितना एब्जॉर्ब करता है, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। और वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है? इमिटेंस पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और वो हमेशा ब्लैक बॉडी के जितना होता है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे है? तो मैं इसको डिराइव करके तुम्हें दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको डिराइव करते हैं। तो क्या हम मान लेते हैं क्या अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन होलो एनक्लोजर। हमने क्या किया बेटा, सपोज करिए कि क्या अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमने इसमें क्या की, फायर की, ठीक है। अब हम कह लेते हैं कि जो हमारा ए एस क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सरफेस ऑफ व्हाइट बॉडी या व्हाइट बॉल, अब आप बताइए कितना हुआ स्टूडेंट। तो देखिए ए एस क्या एब्जॉर्प्टिव पावर है, क्या हो क्या अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉरवर्ड। अब जितनी इसकी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगी वो क्या करेंगे, क्या अमाउंट में से हमने निकालना, कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे ए एस इंटू क्या, यानी इसमें से कुछ जितनी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतनी रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सरफेस ऑफ व्हाइट बॉल इज दिस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसी तरह इमिटेंस पावर और हम बात करें अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट बाय व्हाइट बॉल, तो स्टूडेंट कितना होगा, आप कहेंगे सर ई एस होगा। अब यहां पे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट सोचते हैं सर यहां पे आपने क्या उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अब ये क्या है कि जितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया था उसको इमिट करा ई एस। अब हम कह रहे हैं ये थर्मली क्या है, कॉन्स्टेंट, यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ए एस क्या हो, यानी ई एस इक्वल टू ए एस इंटू क्या। तो व्हाइट बॉडी के केस में हमने जब बात की तो ये मेरे पास क्या बन गया स्टूडेंट, रिलेशन बन गया कि ई एस इक्वल टू ए एस इंटू क्या। अब हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर मेरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो आप समझ सकते हैं कि ए एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए बी से, यानी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और कितनी होगी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि हमने क्या है इट एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, वन। ए बी क्या हो जाएगा, वन। और ई एस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ई बी से, इमिटेंस पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो हमारे पास अब ए एस क्या हो गया, ए एस क्या हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, वन। तो हमारा ये फार्मूला क्या बन गया, ई बी इक्वल टू क्या हो, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों रिलेशन को कोरिलेट करें वन और टू को, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्या होगी जगह स्टूडेंट क्या पुट कर सकते हैं, ई बी। तो यही हमारा रिलेशन क्या हो गया, ई एस इक्वल टू ए एस इंटू ई बी, और ये कह सकता हूं ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो यही मैंने आपको पूरा डिराइव किया है रिलेशन कि ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू क्या होता है, ई बी। अब लास्ट पॉइंट हम करते हैं स्टूडेंट, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन फोर्थ लॉ। अब ये जो स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं ये किसके लिए है, वही ब्लैक बॉडी के लिए। तो इसने क्या कहा, स्टीफन्स ने 1879 के अंदर ये ला दिया और जिसको डिराइव किया बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनेमिकली 1884 के अंदर। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो रेडिएशन है, एनर्जी जो है,
एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, या हम ये कहें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो उसने कहा कि जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के, किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को स्टूडेंट हटाता हूं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है रो टी फोर, क्या रहता है रो टी फोर। और इसकी जब हम वैल्यू की बात करते हैं ये क्या होती है 5.67 रो की वैल्यू इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का फोर। तो ये हमें स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम, ये हमारा क्या हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट। तो बहुत ज्यादा इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और जो कंपटीशन की बात करें ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको आ सकते हैं, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में। जिन बच्चों की बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी करनी है तो जो मैंने स्टार्टिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक कराया किया वहीं तक पढ़े, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ने का आता है कि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करें IIT के या फर्दर आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की BSc में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सारा ही करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जहां कहीं आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।